विकास की प्रक्रिया में क्या यह सच है कि इंसान के रूप में हम सबसे ऊपर हैं? सभी जीवों में हम सर्वश्रेष्ठ हैं। शायद थोड़ा और करने की जरूरत है, मगर फिलहाल हम सबसे ऊपर हैं। मगर क्या यह भी सच है कि जब लोग कहते हैं इंसान, तो हमेशा उनका मतलब होता है कि अरे मैं तो सिर्फ इंसान हूं। इंसान शब्द को हमेशा उसकी सीमाओं से जोड़ा जाता है। बहुत कम लोगों ने मैं इंसान हूं का उपयोग इंसान की विशालता बताने के लिए किया है, हमेशा इंसान होने की सीमाएं। तो कहीं ना कहीं हम बुनियादी मुद्दे से चूक गए। मुद्दा यह है, क्या यह सच है कि इस धरती पर हर जीव, एक कीड़ा, एक चिड़िया, एक जानवर, जिनका दिमाग हमसे लाख गुना छोटा है, वे अपनी जीवन प्रक्रिया बड़े अच्छे से चलाते हैं? हेलो, क्या ऐसा है? जब मैं जीवन प्रक्रिया कहता हूं, हम पैदा हुए वे भी वैसे पैदा होते हैं, हम बड़े हुए वे भी बड़े होते हैं, हमने जीवन चलाया वे भी जीवन चलाते हैं, हमने बच्चे पैदा किए वे भी बच्चे पैदा करते हैं, हम ये सब बड़े झमेले के साथ करते हैं, वे इसे यूं ही कर लेते हैं, हाँ या ना? हर मामूली चीज के लिए हम बड़ा हंगामा करते हैं, वे आराम से कर रहे हैं। विभिन्न जीने मरने की तमामों प्रक्रियाएं वे बिना किसी झमेले के कर रहे हैं। हम हर चीज बड़े झमेले के साथ करते हैं। क्या यह बुद्धिमत्ता का सबसे ऊंचा स्तर दिखाता है? हम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हैं, और इसमें शक नहीं कि हमारी न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया धरती पर सबसे ज्यादा विकसित है। हाँ, हमारे पास सबसे विकसित न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है। तो हमें बेहतरीन तरीके से महसूस करना, अनुभव करना, समझना और व्यक्त करना चाहिए। मगर धरती पर अभी कोई दूसरा जीव इंसान की तरह संघर्ष नहीं कर रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको एक सुपर सुपर कंप्यूटर मिला है। क्या आप मुझसे सहमत हैं कि यह धरती का सबसे परिष्कृत यंत्र है? आईफोन नहीं, आई। पर अब सवाल यह है कि क्या आपने यूजर्स मैनुअल पढ़ा है? बस लोगों ने यूजर्स मैनुअल ही नहीं पढ़ा है। धरती की सबसे जटिल मशीन का और कैसे भी गलतियां करते हुए उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज एक समस्या है। मुझे एक चीज बताइए जिससे इंसान दुखी नहीं है। अगर वे गरीब हैं तो गरीबी से दुखी हैं, आप उन्हें अमीर बना दीजिए तो वे टैक्स से दुखी हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो दुखी हैं, उन्हें स्कूल में डाल दीजिए भारी दुख, शादी नहीं हुई तो दुख, उनकी शादी करा दीजिए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बच्चे नहीं हैं उससे कुछ लोग दुखी हैं, बच्चे हैं हर रोज दुख। तो आप जीवन के हर पहलू से दुखी लगते हैं। तो अगर हम मौत दे दें, क्या आप खुशी खुशी जाएंगे? नहीं, आप दुखी हो जाएंगे। तो मुझे एक चीज बताइए जिससे हम दुखी नहीं हैं। अब लोग फिलॉसफी बनाते हैं, जीवन दुख है। नहीं नहीं, जीवन दुख नहीं है, नहीं आनंद है, ये तो बस मौजूद है, ये शानदार प्रक्रिया है। अगर आप इसकी सवारी करते हैं तो ये शानदार है, अगर आप इससे कुचले जाते हैं तो ये भयंकर लगता है। तो क्या आप जीवन की लहर पर सवार हैं या इससे कुचले जा रहे हैं? यही सवाल है। तो इसके होने के लिए इंसान को क्या दुख है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लोगों के जीवन में कितना दुख असल में बाहर से आ रहा है, जरा सा, बाकी वे खुद पैदा कर रहे हैं। अगर वे बैठते हैं तो दुख, खड़े होते हैं तो दुख, अगर कुछ होता है तो दुख, कुछ नहीं होता है तो दुख। उनका दुख उनकी अपनी ही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से है, आपके अपने ही विचार और भावनाएं, यानी आपके सोचने और महसूस करने का तरीका इतना बड़ा दुख बन गया है। आप कैसे सोचते और महसूस करते हैं, क्या ये आपको तय नहीं करना चाहिए? हेलो,
आपके भीतर क्या होता है, क्या उसे आपकी मर्जी से नहीं होना चाहिए? हर चीज जो आपको हुई है, पीड़ा और सुख आपके भीतर हुआ है, खुशी और गम आपके भीतर हुए हैं, व्यथा और परमानंद आपके भीतर हुआ है, यहां तक कि रोशनी और अंधेरा भी असल में आपके भीतर ही हो रहा है। दुनिया में जो होता है वो भले ही आपकी मर्जी से ना हो, पर कम से कम आपके भीतर जो होता है उसे तो आपके हिसाब से होना चाहिए, है ना? तो आपके अंदर जो होता है वो अगर आपकी मर्जी से नहीं हो रहा, तो बुनियादी रूप से हमने जीवन की प्रकृति को नहीं समझा है। उसे बिना समझे अपने अस्तित्व की बुनियादी चीजों को समझे बिना हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सच है, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, क्या यह सच है कि पीड़ा और सुख दोनों आपके भीतर पैदा होते हैं? उसे बाहर से उकसाया जा सकता है, मगर सारा इंसानी अनुभव आपके भीतर से ही आता है। जो आपके भीतर से आ रहा है उसे आपके मुताबिक होना चाहिए, वरना आप खुद के काबू से बाहर होंगे। तो मेरा पूरा काम और जो चीज सिखाई जाती है उसकी बुनियादी प्रकृति को इनर इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब हमने दुनिया को कई तरह से इंजीनियर किया है, जिसने हमें जबरदस्त आराम और सुविधाएं दी हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि हम असाधारण सुविधाओं का आनंद लेने वाली सबसे आरामदेह पीढ़ी हैं, जिसकी कोई पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर सकती थी? हाँ या ना? जो राजाओं के पास भी नहीं था 100 साल पहले, आज आम लोग उसका आनंद ले रहे हैं, है ना? तो ये सब मानवता पर बर्बाद हो रहा है, क्योंकि लोगों का जीवन का अनुभव बेहतर नहीं हुआ है। क्योंकि आपकी खुशहाली कभी बाहर से नहीं आएगी। बाहर से आप आराम जुटा सकते हैं, सुविधाएं जुटा सकते हैं, पर खुशहाली पैदा नहीं कर सकते। खुशहाली सिर्फ आपके भीतर से पैदा हो सकती है, क्योंकि इंसानी अनुभव भीतर से पैदा होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके अनुभव की प्रकृति क्या है, वो जो भी हो, सुखद या दुखद, दोनों आपके भीतर से पैदा होते हैं। लेकिन अगर आपका खुद पर नियंत्रण है, तो आप अपने लिए खुशी पैदा करेंगे या दुख। ज्यादा से ज्यादा खुशी, अगर पीड़ा और आनंद में से एक चुनना हो तो आप अपने लिए क्या चुनेंगे? कृपया चुनिए, मैं आपको आशीर्वाद देने वाला हूं। पीड़ा या आनंद? हाँ, कम से कम अपने लिए तो निश्चय ही सर्वाधिक खुशी। आप अपने पड़ोसी के लिए क्या चाहते हैं इस पर बहस हो सकती है, इस आधार पर कि उन्होंने आज क्या किया। मगर खुद के लिए जो चाहिए वो 100% साफ है ना? इतनी साधारण चीज क्यों नहीं हो रही है? Simply because this... क्योंकि ये दिमागी गतिविधि क्रमिक विकास की प्रक्रिया में नई है। ये एक नई घटना है, ये बड़ा दिमाग। नई से मेरा मतलब है सिर्फ कुछ लाख साल पहले, पर विकास के पैमाने पर यह नहीं है। तो हमारे पास एक ऐसी बुद्धि है जिसके लिए हमारे पास एक स्थिर आधार नहीं है। आपको यातना देने के लिए किसी और दूसरे की जरूरत नहीं है, है ना? आप खुद ही काफी हैं। आपको कोई बाहरी मदद नहीं चाहिए। आप अकेले कहीं बैठकर वही नर्क बना सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी बुद्धि आपके खिलाफ हो गई है। आप इसे कई आकर्षक नामों से बुला सकते हैं। आप इसे पीड़ा कहें, डिप्रेशन कहें, तरह तरह के रोगों का नाम दें, मगर दरअसल आपकी बुद्धि आपके खिलाफ हो गई है। एक बार आपकी बुद्धि आपके खिलाफ हो जाए तो कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। क्योंकि हम आपको जहां भी ले जाएं, आप दुखी ही रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि एक दिन वे स्वर्ग जाएंगे, वे ठीक से रहेंगे। मैं पूछ रहा हूं, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप पहले ही स्वर्ग में नहीं हैं और उसे बर्बाद नहीं कर रहे? आपके पास कोई सबूत है? नहीं, शायद आप पहले ही स्वर्ग में हैं और उसकी दुर्गति कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका दिमाग काबू से बाहर है तो आपको चाहे जहां ले जाया जाए आप उसे खराब कर देंगे, है ना? जरा कल्पना कीजिए, 100 साल पहले लोग इसी जगह पर कैसे रहते थे और आप कैसे रह रहे हैं, उसकी तुलना में क्या शिकायत करने के लिए कुछ है? हेलो? ओ, लेकिन हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं। इस धरती पर कोई हमारी तरह भुनभुना नहीं रहा। तो समस्या बाहर की नहीं है, बाहरी हालात जरूर हैं। कुछ हालात हमारे मन मुताबिक होंगे, कुछ नहीं होंगे, ऐसा ही होता है।
आपके परिवार में चाहे दो ही लोग हों, तब भी क्या हर चीज आपकी मर्जी से होती है? नहीं, वो कभी नहीं हो सकती। बाहरी चीजें पूरी तरह आपके हिसाब से कभी नहीं होंगी। कुछ हद तक हम इसे संभाल सकते हैं, लेकिन कम से कम जो आपके भीतर होता है उसे तो पूरी तरह आपकी मर्जी से होना चाहिए। अगर अभी आपके भीतर जो हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा होता तो आप खुद को सुख के सर्वोच्च स्तर पर रखते या नहीं? उसके साथ बस इतना ही हुआ है। हालांकि मौत से भी सामना हुआ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो आपके भीतर हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है। कोई जादू नहीं, बस इंजीनियरिंग।